हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द फैक्टो हिंदी में। तो क्या हाल चाल है जनाब, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए एक बेहद ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, या पृथ्वी पर जीवन कैसे संभव हुआ, या मानव जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, या फिर ये कि उस समय लोग संभोग कैसे करते होंगे। अगर नहीं पता तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। दोस्तों आज मैं आप सभी को पृथ्वी और उससे जुड़े मानव जीवन की उत्पत्ति के बारे में कई बातें बताने जा रहा हूँ, तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक हमारे साथ। दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक धारणा ये है कि तकरीबन 5 बिलियन साल पहले कई गैसों के एक साथ मिलने से भयंकर धमाका हुआ। इस कारण बहुत ही बड़ा एक आग का गोला बन गया, जिसे वर्तमान में हम सूर्य कहते हैं। धमाका इतना तेज था कि इसके आसपास चारों ओर धूल के कण फैल गए, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये छोटे छोटे कण पत्थर के टुकड़ों के रूप में बदल गए। कई वर्षों के अंतराल के बाद ये कण आपस में जुड़ने लगे, और एक समय के बाद सौर मंडल की उत्पत्ति हुई। दोस्तों इस प्रकार लाखों वर्षों के पश्चात गुरुत्वाकर्षण के कारण पत्थर और चट्टानें आपस में जुड़ने लगी। इस प्रकार से धरती का जन्म एक आग के गोले के रूप में हो रहा था। वैज्ञानिक अवधारणा के मुताबिक 4,154 बिलियन साल पहले पृथ्वी का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे समय पर धरती पर केवल उबलता हुआ लावा, चट्टाने और कई जहरीली गैसें हुआ करती थीं। ऐसे में पृथ्वी पर जीवन का होना असंभव था। दोस्तों धरती पर जीवन की इस यात्रा के दौरान अब तक 318 बिलियन वर्ष पहले पानी की उत्पत्ति हो चुकी थी। पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी फट रहे थे, और साथ ही साथ उल्का पिंडों की बारिश भी हो रही थी। धरती पर पानी और नमक के साथ ही उल्का पिंडों द्वारा अन्य पदार्थ भी आ रहे थे, जिसमें कार्बन और एमिनो एसिड जैसे पदार्थ थे। ये पदार्थ हर जीव जंतु और पौधों में मौजूद होते हैं। उल्का पिंडों की इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से ये पानी की गहराई में चले जाते थे, जहां पर सूर्य की किरणों का पहुंचना लगभग असंभव था। बाद में ये उल्का पिंड ठंडे होकर पानी में जमने लगे। इसके बाद ये एक प्रकार से चिमनियों का आकार लेने लगे, और ज्वालामुखी की दरारों में पानी आ जाने से चिमनियों से धुआं निकलने लगा, जो बाद में एक प्रकार के केमिकल सूप का रूप ले लेता है। इस वजह से धरती पर माइक्रोस्कोपिक जीवन की शुरुआत हुई, और पृथ्वी पर सिंगल सेल बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई। दोस्तों धरती की उत्पत्ति के दौरान जब समुद्र की निचली सतहों पर पौधे और पत्ते उग रहे थे, और इन पर जीवित बैक्टीरिया पैदा हो रहे थे, वैज्ञानिक भाषा में इन्हें स्ट्रोमेलाइट कहा जाता है। ये अपना भोजन सूर्य की किरणों से बनाते हैं, और इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य की किरणें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित कर देती हैं। इसके साथ ही प्रक्रिया में सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस होती है, जो मनुष्यों के लिए प्राणवायु है। समय की लंबी प्रक्रिया के बाद समुद्रों में ऑक्सीजन गैस भर गई, और इसके कारण पानी में मौजूद लोहे को जंग लगने लगी, और इसी वजह से लोहे का अस्तित्व सामने आया। एक लंबे अंतराल के बाद ऑक्सीजन गैस समुद्र की सतहों पर आने लगी, जिससे कि जीवन संभव हुआ। दोस्तों धरती पर जीवन 4 अरब साल पहले शुरू हुआ था। माना जाता है कि जीवन की एक कोशिका वाले जीव से समुद्र में इसकी शुरुआत हुई, मगर वे चल नहीं सकते थे। दोस्तों पुरातत्ववेत्ताओं का अनुमान है कि धरती पर सबसे पहले मानव जैसे लोग आज से लगभग 53 लाख वर्ष पूर्व प्रकट हुए। धीरे धीरे कई प्रकार के मानव धरती पर अस्तित्व में आए, परंतु कुछ समय के पश्चात वो लुप्त हो गए। आज का मानव लगभग 2 लाख साल पहले धरती पर अस्तित्व में आया था। मानव जीवन के इस लंबे काल में मनुष्य पौधे और जड़ें खाकर अथवा शिकार करके अपना पेट पालते थे। दोस्तों मनुष्य जाति स्तनधारी वर्ग से संबंधित है। मनुष्य नर वानर वर्ग से संबंध रखते हैं। नर वानर स्तनधारी जीवों में उन वर्गों से संबंध रखते हैं जो कि पूर्ण विकसित तथा बुद्धिमान हैं। मनुष्य बंदर तथा लंगूर इसी वर्ग से संबंध रखते हैं। उनके शरीर पर बाल होते हैं, उनके दांत कई प्रकार के होते हैं, उनके शरीर के तापमान में स्थिरता होती है। दोस्तों 28 से 30 लाख साल पहले इन नर वानरों में एक और समूह उत्पन्न हुआ, जिनको मनुष्य परिवार के पशु अथवा महावानर कहा जाता है। इनमें वन मानुष भी सम्मिलित हैं। मनुष्यों तथा नर वानरों में अनेक समानताएं पाई जाती हैं। आरंभिक मनुष्य का सिर बहुत ही छोटा और पीछे की ओर झुका हुआ था। उनके शरीर पर घने बाल होते थे। वे बोल नहीं सकते थे, परंतु समझने योग्य ध्वनि निकाल सकते थे। वे भ्रमणकारी थे, और भोजन की तलाश में जगह जगह घूमते रहते थे। आरंभ में वे पशुओं की भांति 4 टांगों पर चलते थे, परंतु समय बीतने पर वे सीधे खड़े होकर हाथों का प्रयोग करने लगे।
दोस्तों आदि मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम लगभग 12 से 20 लाख साल पहले अफ्रीका में हुई, परंतु कई इतिहासकारों का विचार है कि मनुष्य की उत्पत्ति केवल अफ्रीका में ही नहीं अपितु साथ साथ यूरोप, उत्तरी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में भी हुई। ये पाषाण युग तथा आदिमानव की उत्पत्ति का समय था। इस युग को पाषाण युग कहा जाता है क्योंकि इस काल में मनुष्य हथियार बनाते थे। दोस्तों 3 लाख वर्ष के अवशेषों से पता चलता है कि इन आरंभिक मनुष्यों के अस्थि पंजर वर्तमान मनुष्य के अस्थि पंजर के आकार जैसे ही थे। होमो सेपियन मनुष्यों की खोपड़ी होमो इरेक्टस मनुष्य की खोपड़ी से अधिक बड़ी तथा अधिक आगे की ओर झुकी हुई थी। इससे मस्तिष्क का आकार बढ़ने के लिए स्थान की गुंजाइश थी। इस काल का मनुष्य शिकार द्वारा भोजन इकट्ठा करता था। वो पत्थरों के औजारों, सुइयां तथा हड्डियों से मछली पकड़ने के कांटे बनाता था। वे जानवरों की चमड़ी को जानवरों की यंत्रणियों के धागे बनाकर सीते थे। वो चमड़ी से गर्म जूते भी बनाते थे। दोस्तों 2 लाख साल पहले आरंभिक मनुष्यों की सबसे पुरानी जातियों में से एक नियंडरथल मानव थे। ये शब्द जर्मनी के नियंडर घाटी से लिया गया था, जहाँ से नियंडरथल मानव के अस्थि पंजर प्राप्त हुए थे। ये आरंभिक मनुष्य की अन्य जातियों से भिन्न था। वो अधिक लंबे, मजबूत तथा शक्तिशाली थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वो उस समय के अनुसार बहुत विकसित थे। वे बहुत ही कुशल शिकारी थे। वो प्रायः गुफाओं में रहते थे। वे आग जलाने के लिए बहुत ही निपुण थे और संभवतः हमेशा अपना भोजन आग में पकाकर खाते थे। वे मृतकों को कुछ रीतियों के अनुसार दफनाते थे। ऐसा भी प्रतीत होता है कि वे किसी धर्म में विश्वास रखते थे। नियंडरथल काल के कब्रिस्तान के स्थान पर की गई खोजों से ऐसा प्रतीत होता है कि वे मृतक शरीर को रंगों से सजाते थे। वे प्रथम मनुष्य थे जो कि मृत्यु के पश्चात जीवन के संबंध में सोचते थे। इस समय तक मनुष्य एक कुशल शिकारी तथा भोजन एकत्रित करने वाला बन चुका था। वे अब सारे विश्व में फैल चुके थे। वैज्ञानिकों को यूरोप, एशिया, अमेरिका तथा विश्व के अन्य भागों से इस काल के मनुष्यों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यद्यपि इस काल के मनुष्य का जीवन बहुत ही कठोर था, परंतु उनके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन पदार्थ तथा शरण स्थल थे। इनमें बहुत से मनुष्यों की आयु बहुत लंबी थी। यूरोप में रहने वाले होमो सेपियन को क्रोमैग्नन कहा जाता है। क्रोमैग्नन मानव हिमयुग की कठोर सर्द ऋतु से सुरक्षा के लिए स्थायी निवास स्थान बनाते थे। गर्मियों में वो तंबुओं में रहते थे और पशु पालते थे। सर्दियों में वो बर्फ की झोंपड़ियों में रहते थे, जो कि वृक्षों की शाखाओं तथा बड़ी बड़ी मोटी हड्डियों से बनी होती थी और ऊपर से जानवरों की खाल से ढकी होती थी। कुछ झोपड़ियां लोगों के छोटे समूहों के रहने के लिए बनाई जाती थीं। यूक्रेन में लंबी झोपड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनमें एक पूरा कबीला ही समा सकता था। इन लंबी झोपड़ियों के अंदर जाने के लिए बहुत से प्रवेश द्वार बनाए जाते थे। इन कमरों में आग जलाने के लिए बहुत से स्थान होते थे। दोस्तों हमारी पृथ्वी करोड़ों साल पुरानी है, परंतु आदि मानव हजारों साल पुराने हैं। आदि मानव की पूर्वज बंदर के खास प्रजाति हुआ करती थी। जब आदि मानव हुआ करते थे तब चारों तरफ जंगल ही जंगल था। आदि मानव का जीवन बहुत मुश्किल भरा होता था। जंगल के जानवरों की तरह आदि मानव भी अपना जीवन करते थे। आदि मानव जानवरों से डरते थे। उनका डरना स्वाभाविक भी था, क्योंकि उनके पास कोई हथियार नहीं था जिससे कि वो अपनी सुरक्षा कर सके। दोस्तों हर आदि मानव अपने भोजन के लिए दिन भर जंगल में इधर उधर भटकता रहता था। वे फल, फूल, पौधे की जड़ खाकर अपना जीवन गुजर बसर कर रहे थे। दोस्तों अपने से कमजोर जानवरों का शिकार करके उनके कच्चे मांस को भी वे खाते थे, लेकिन खतरनाक जानवरों से अपनी जान बचाना भी एक मुश्किल काम था। दिन में वे आसानी से अपनी रक्षा कर लेते थे और रात में अपनी रक्षा के लिए गुफा या फिर पेड़ों में सोते थे। दोस्तों जानवरों की मारने और जड़ों की खुदाई के लिए केवल हाथ ही काफी नहीं थे। ऐसे कार्य के लिए आदि मानव लकड़ी को पत्थर की सहायता से नुकीला करके खुदाई और शिकार करने लगे। मजबूत चमड़ी वाले जानवर और लकड़ी को काटने के लिए नुकीले पत्थर का इस्तेमाल करते थे। इन्हीं पत्थरों और लकड़ी की सहायता से आदि मानव हथियार बनाने लगे। दोस्तों आदि मानव ने सबसे पहले कुल्हाड़ी बनाई, जो कि आदि मानव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ऐसे ही धीरे धीरे पत्थरों की सहायता से बहुत सारे औजार बनाने लग गए वो। इस समय की सभ्यता आदि मानव का पाषाण काल कहलाई। आदि मानव अधिकतर जंगलों में आग लगा देखते थे, परंतु उनको समझ नहीं आता था कि ये क्या है। आग को आदि मानव सबसे ज्यादा खतरनाक समझते थे, क्योंकि आग से जंगल के सभी जानवर, चाहे वो शेर हो या हाथी, सब डरते थे। दोस्तों एक बार आदि मानव ने गौर किया कि आग पानी के संपर्क में आते ही नष्ट हो जाता है। फिर आदि मानव आग से बचने के लिए नहरों और तालाबों की ओर भागते थे। पत्थर से पत्थर टकराकर आदि मानव आग उत्पन्न करना भी सीख जाते हैं। आग आदि मानव के लिए बहुत बड़ी खोज थी, क्योंकि आग से रात के अंधेरे में उजाला मिलता था। आग से जानवरों को वो डरा भी सकते थे, मांस को भूनकर खाने लगे, ठंड में आग से शरीर को गर्म करते थे इत्यादि। आदि मानव पशुओं की तरह नंगे रहते थे। समय के साथ आदि मानव अपने शरीर को पत्तियों से ढकने लग गए और आगे चलकर आदि मानव ने जानवरों की खाल से अपने शरीर को ढकना शुरू कर दिया।
दिया। दोस्तों, जानवर की हड्डियों और दांत से आदि मानव हथियार भी बनाते, साथ ही साथ इनका आभूषण बनाकर पहनते थे। दोस्तों, मानव इतिहास की पहली खोज आग की मानी जाती है। आदि मानव ने पत्थरों के टकराने के बाद आग को जलाना सीखा, जिनसे स्वयं की जानवरों से सुरक्षा में मदद मिलने के साथ ही भोजन पकाने में भी वो काम आई। कालांतर में इन्होंने अपनी रक्षा तथा भोजन के प्रबंध की सुविधाओं के लिए कृषि कर्म तथा पहिए का आविष्कार कर दिया। इस तरह आदिमानव का जीवन बेहद कठिनाइयों से भरा हुआ था। जीवन निर्वहन में सुविधा के कोई साधन नहीं थे। जीवन रक्षा के लिए उन्होंने सर्वप्रथम पत्थर के तथा बाद में तांबे के हथियारों का निर्माण किया। संभवतः आदिमानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु तांबा ही थी, जिससे उन्होंने अन्य जीवन उपयोगी यंत्रों का निर्माण किया और जिनमें कृषि औजार भी शामिल थे। दोस्तों, आदिमानव अपनी जीवन की सुरक्षा के कारण ही समूह में रहा करते थे। उनके जीवन का सबसे बड़ा खतरा जंगली जानवर थे, जिनसे वे मिलकर बचाव करते थे। दुनिया के विभिन्न देशों में आदिमानव के जीवन से जुड़े अस्थि कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिससे उनके आयु के बारे में अनुमान लगाने में सहायता मिली है। मानव विकास की यात्रा का प्रारंभिक बिंदु आदिमानव ही है, जिन्हें आज की जीवन शैली में असभ्य माना जाता है। उनके जीवन का एक ही ध्येय रहता था, अपने पेट का निर्वहन करना तथा जंगली जानवरों से बचाव करना। इस कारण वे समूह में रहने लगे। मानव की यही सामूहिक सुरक्षा का स्वभाव परिवार तथा समाज के रूप में देखने को मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। देखने के लिए शुक्रिया।